गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर ऑनलाइन क्लासेस। आप सबको पता है कि इससे पहले हम हिंदी की किताब से अपना सिलेबस पूरा हो चुका है, तो आज हम अपनी हिंदी व्याकरण की किताब से लेसन नंबर 9 क्रिया पढ़ेंगे, क्योंकि कोरोना के ज़्यादा केसेस आने के कारण फिर से ऑनलाइन क्लास चालू कर दी है, तो इसकी वजह से हम वापस ऑनलाइन क्लास में ध्यान लगाकर पढ़ेंगे। तो आज का जो अपना चैप्टर है हिंदी व्याकरण की किताब से पार्ट 9 क्रिया, पेज नंबर 31 एंड पेज नंबर 32। तो बच्चों, सबसे पहले हम ये जानेंगे क्रिया क्या होता है। क्रिया मतलब बच्चों किसी काम का करना या होना पाया जाए। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? क्रिया कहते हैं। तो अगर हमें क्रिया ही मालूम नहीं होगा तो आगे का हम जो चैप्टर है वो समझ नहीं पाएंगे। तो क्रिया मतलब किसी काम का करना या होना पाया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि कुछ काम हो रहा है, तो उससे हमें पता चलता है जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाता है बच्चों? क्रिया। क्रिया शब्द जैसे नाचना, खेलना, खाना, क्रिया शब्द कौन कौन से होते हैं जैसे बच्चों एग्जाम्पल करना बताओ कि जैसे नाचना, बना सकते। तो
देखिए अब जैसे कुछ क्रियाएं लिखी हुई है, गधा रेंगता है, गाय रंबाती है, हाथी चिंगारता है, चिड़िया चहचहाती है, कोयल कूकती है, मक्की बिन बिनाती है, बकरी मिमियाती है, ऊंट बलबलाता है, कुत्ता भौंकता है। आपके बुक के अंदर भी बहुत से एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो आपको इसको एक बार फिर से पढ़ना है चैप्टर को अच्छे से, और आपको समझना भी है। तो एक बार मैं फिर से आपको डेफिनेशन बताऊंगी कि क्रिया क्या होता है। क्रिया क्या होता है? जिस शब्द से किसी काम के करने का या होने का पता चलता है हमें, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? क्रिया कहते हैं। जैसे खेलना, दौड़ना, कूदना, खाना पीना, रोना धोना, ये सब क्रिया शब्द है। इसके अलावा भी जैसे हे, है, था, थे, पढ़ा था, लिखा था, बुक के अंदर आपने जो दिए हुए हैं। और भी आपको और एक बात का विशेष ध्यान रखना आपको कि बच्चों बिना क्रिया, मतलब बिना जो क्रिया शब्द है उसके बिना हम वाक्य कभी भी पूरा नहीं कर सकते हैं। अगर हमारा वाक्य, अगर क्रिया शब्द नहीं है उसके अंदर, तो हमारा वाक्य अधूरा ही रह जाएगा। तो बिना क्रिया के कोई भी वाक्य पूरा नहीं होता है। तो बच्चों मुझे आशा है कि आप सब समझ गए होंगे पेज नंबर 31 और 32, जो अपना आज का टॉपिक था क्रिया। और हिंदी की बुक आपकी कंप्लीट हो गई थी, और आज हिंदी ग्रामर की किताब से आपके क्रिया चैप्टर पढ़ा आपने। कौन सा पढ़ा है? क्रिया शब्द। और बच्चों आपको इसको अच्छे से समझना है, और आपको अगर किसी भी प्रकार का कुछ भी डाउट है तो आप जब गूगल मीट होगी उस टाइम आप मुझे कुछ भी आपको डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, और इसका जो भी वर्क होगा वो आपको मैं आपको सेंड कर दूंगी। और भी कुछ डाउट है तो आप मुझे गूगल मीट के टाइम में आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके, धन्यवाद।